भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसे कर्नाटक संगीत के माध्यम से एक व्यक्ति प्रस्तुत करता। भरतनाट्यम के तीन प्रमुख घराना तंजौर, कांचीपुरम एवं पंडनलूर। ई कृष्ण अय्यर तथा यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली के गीतों की भाषा मलयालम है। 1968 में हिंदी गीतों पर पहली बार कथकली प्रस्तुत की गई थी। कथकली मंच पर काले वस्त्र का प्रयोग होता है। कथकली उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। बल्लोतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, माधवन, कृष्णा कट्टी कथकली के प्रमुख कलाकार हैं। बल्लोतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, माधवन, कृष्णन कट्टी। ओडिशा में प्रचलित नृत्य कला को प्राचीन शैली है। ओडिशा नृत्य पूर्णतः आराधना का नृत्य है। सोनल मानसिंह केल्लूर चरण महापात्र तथा कालीचरण पटनायक ओडिशा नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में नौ रस होते हैं। मणिनट्टम नृत्य का संबंध केरल से है। यक्षगान कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। शिव कुमार शर्मा एक संतूर है। अजंता तथा एलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। नगर शैली स्थापत्य शैली का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक है। मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर एवं खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश नागर शैली का उदाहरण है। नागर वस्तु शैली से रूप में गुप्त काल में प्रकट हुई है। कांचीपुरम तथा एलोरा का कैलाश मंदिर और तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। नागर एवं द्रविड़ शैली को मिश्रित रूप बेसर का शैली कहलाती है। कुक्कानुकूर का कलेश्वर मंदिर और लक्कड़ी का जैन मंदिर वैसर शैली का उदाहरण है। सल्तनत कालीन वस्तुकला का भव नमूना स्थित दिल्ली के स्थित कुतुब मीनार में है। कला का गंधार शैली का विकास कुषाण के समय में हुआ था।